दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। सभी का स्वागत है नित्य दिन के इस लीला चिंतन सत्र में। आज के लिए जो लीला हमने चुनी है वो है उत्तरार्ध की 151, मतलब 151, उत्तरार्ध की 151 नंबर की ये लीला है, क्योंकि कल अक्षय तृतीया का मुहूर्त है। संपूर्ण हिंदू धर्म में इस मुहूर्त को एक विशेष तौर पर माना गया है, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो विधि बनता है, या महानुभव साधक ने किस प्रकार से अक्षय तृतीया को करना चाहिए आदि सभी जिज्ञासाओं का समाधान। बात करते करते गड़बड़ में कभी कभी शब्दों का तालमेल ये हो जाता है, तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि देखिए आप, मैं इसको कट कर सकता हूँ लेकिन मैं कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वास्तविक जैसा है वैसा रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ, ठीक है। तो कल अक्षय तृतीया होने के कारण हम अक्षय तृतीया के संबंध में जो लीला है आई हुई, ये लीला को हम पढ़ेंगे आज। अक्षय तृतीय लामाईसा आनीत उदक पान, ऐसी ये लीला आती है। अक्षय तृतीया को लामाईसा जी ने आनीत उदक पान, मतलब उन्होंने जो लाया हुआ जो पानी था उसका भगवान जी ने स्वीकार किया है। प्रस्तुत लीला में बड़े लोगों का ईश्वर यानी पैसे वालों का भगवान और गरीबों का भगवान कैसे एक ही है, और इन वस्तुओं के माध्यम से, इन सभी चीजों के माध्यम से ही हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं क्या? ऐसा सवाल बारंबार पूछने वाले कई ईश्वर भक्त हैं, उन सभी के लिए ये लीला महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं लीला शुरू करता हूं। अक्षय तृतीय चा दिशी लखुबाईसी गोसा व्यासी विनविले। भगवान जी को लखुबाईसा जी ने विनती की है, जी मी गोसाव्याचा ठाई अक्षय तृतीया करीन। भगवान जी को विनती की कि भाई मैं अक्षय तृतीया का जो विधि होता है, जो सन होता है, जो त्योहार है, यो त्योहार मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणों में समर्पित करूंगी। स्वामी जी गोसावी विनंदी स्वीकार ली, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने विनती का स्वीकार कर लिया। मग तिही उपहार निपजविला, उन्होंने बढ़िया तरीके का भोजन बनाया, पकाया। गोसाव्यासी मर्दना मादने झाले, भगवान जी को स्नान हुआ, मसाज हुई, पूजा अवसरु झाला, गोसाव्यासी अरोगन झाली, भगवान जी का भोजन भी हुआ। फिर गोसाव्यासी वान घागरी ऐसे ओळगविले, वान घागरी मतलब छोटी छोटी जो मटके होते हैं, उस मटके में बेर हरबरा ऐसा सब डाल के वो वान देने का एक हिंदू धर्म में एक पद्धति होती है। वहां पे लखुबाईसा जी ने भगवान जी को बोर मतलब बेर हरबरा ये सब डाल के वो जो वान है, वो जो छोटी सी मटके थे वो भगवान जी को दिया, ऐसे ओळगविले ऐसे दिया। अब ये देते समय वो सब देखा अवसर, और देते समय अवसर देखा भगवान जी को इतनी जबरदस्त तरीके से सब विधि कर रही है, तो वो लामाई से दुख करो लागली, वो जो लामाईसा जो थी वो वहां पे थी, तो वो दुख करने लगी। क्या दुख करने लगी? ये लखुबाई से सदैव कि भाई ये बहुत भाग्यवान है, ये भाग्यशाली है, यही गोसाव्याचा ठाई आखतीज केली, इसने अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित किया। आमी न दैवे, हम क्या है, हम दुर्दैवी है, हमारा सौभाग्य नहीं है, आमते काहीच नाही, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को। उसके पास सब कुछ था इसलिए उसने सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे लोगों के पास सवाल होता है, बाबा जी बहुत धर्म कर्म करने की इच्छा है लेकिन भगवान जी कुछ देते ही नहीं तो हम कैसे करें, ऐसे वो दुख करने लगी। फिर वहां पे आमते काहीच नाही ऐसे दुख करो लागली, और भगवान जी वहां बैठे सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज, सर्वज्ञ म्हणतले बाई यही एथ अक्षय तृतीया केली तुम्ही न कराते काई,
स्वामी जी ने प्रश्न किया, उसके मन को स्वामी जी ने हेर लिया। स्वामी जी क्या बोलते हैं, भाई इसने अक्षय तृतीया हमारे यहाँ पे करी है तो आप नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई। वो बोलती है, ना जी आमते काहीच नाही, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते, सर्वज्ञ म्हणितले जा, हे घाघरी आंतु बाहेरी धुआ, जाइए ये जो मटका है बड़ा पानी वाला, जो ये मटका अंदर से और बाहर से धोइए, खोला पानी आंतु बुड़कड़ोनी भरा, गहरे पानी में जाइए, वहां से जाके ये मटके को आप पूरा भर के लाइए, एथ उदक संपादा, हमें आप पानी समर्पित कीजिए, माँ एथोनी तुमचिया अक्षय तृतीया संपूर्णा की जती, कि अगर आप केवल पानी लेके आइए, पानी लेके आइए इसको धोके, और हम आपकी अक्षय तृतीया का जो विधि है ये विधि हम आपका पूर्ण कर देंगे, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ते ही म्हणितले हो काजी, मंग घाघरी घेऊनी गंगेसी गेली। उसने बोला अच्छा ठीक है, फिर वो मटका उठा के गंगा नदी पर गई, आंतु बाहिरी धुतली, अंदर से और भीतर से बढ़िया तरीके से धोई, खोल पानियांत बुड़कड़ोनी घेऊनी आली, वो पानी लेके आई, वाटे उटीले, वाटे उटीले मतलब उसने उसके साथ में जो कटोरा होता है, कटोरी होती है और तांब्या होता है, तांब्या को क्या बोलते हैं बड़े इसमें शायद लोटा, वो धोया, मंग गोसाव्यासी उदक ओळगविले, उसने भगवान जी को पानी समर्पित किया, मंग गोसावी स्वीकारिले, मंग म्हणितले बाई येथोन तुमचिया अक्षय तृतीया पूर्ण संपूर्णा हो, कि हम आपकी अक्षय तृतीया का क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आपकी अक्षय तृतीया संपूर्ण होई। वर्तमान स्थिति में आज के समय में असन्निधान धर्म में हमने भी कुछ इसी प्रकार से विधि करना है। जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, जिनकी क्षमता है कि वो पूर्णतः विधि कर सकते हैं, उन लोगों ने पूर्णतः बढ़िया तरीके से भोजन पंच पकवान बना के भगवान जी का पूरा स्नान करवा के, भगवान जी के पूरे पूजा को स्नान करवा के अच्छे तरीके से भगवान जी को भोग दिखाना है। उसके बाद वो जो वान देना होता है, वो वान देना भी भगवान जी को देने में कोई बुराई नहीं है, आप वो भी दे सकते हो। हम हिंदू धर्म के अविभाज्य घटक है, और जिन लोगों की क्षमता नहीं है कि चलो भाई मैं घर के बाहर नहीं जा सकती, मैं अकेली हूं या मेरी क्षमता नहीं है, फिर भी जैसे पानी का भगवान जी ने स्वीकार कर लिया और विधि को पूर्ण किया, तो अगर आप थाली में भोजन लेके जो आप भोजन कर रहे हो ना, उतना भोजन का क्यों ना हो, लेकिन आप भोग दिखाकर अब अपनी अक्षय तृतीया को मना सकते हैं। करने की इच्छा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, कि आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। नहीं करने वालों को बहुत सारे कारण है, करने वालों को बहुत सारे विधि है। इसलिए इस अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत बढ़िया तरीके से अक्षय तृतीया कीजिए, पूर्ण हिंदू धर्म के पद्धति अनुसार आप वो जो गोवान होते हैं वो वान भगवान जी को समर्पित कीजिए, स्नान कीजिए, खुद पहले स्नान कीजिए, फिर भगवान जी को अभिषेक करवाइए, अभिषेक होने के बाद भगवान जी को भोग दिखाइए, और सभी अपने घर वालों को पूरे इस विधि में सम्मिलित कीजिए, और अगर हो सके अपने गुरु को फ़ोन करके और गुरु जी का आशीर्वाद आप लेना कभी भी मत भूलें, और अगर पास में कोई आश्रम हो उस आश्रम में जाकर 1 किलो आम आप समर्पित करने का प्रयत्न कीजिए, और आम खाने की जो शुरुआत है वो सही ढंग से इसी दिन से ही शुरू किया जाता है, और आप अगर पीले आम यानी लाल वाले नहीं पीले वाले अगर आम ला सको तो आप ज़रूर लाइए, भगवान जी को समर्पित कीजिए। और कमेंट में किन किन लोगों ने इस विधि को फॉलो किया है उन्होंने कमेंट में ज़रूर मुझे लिखना है, और अपन जो विधि करने वाले हैं उस विधि का वीडियो या विधि के फोटोज आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, इस कमेंट में शेयर डालिए या तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मेरा नंबर है 9112
160110 इस नंबर पे आपको भेजना है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप कितना आचरण करने के लिए प्रवृत्त होते हो। आप सभी को पुनः एक बार अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।